आगे आओ थोड़ा नीचे रखो पड़ दो लोकल डॉक्टर जितने भी जो जिस कम्युनिटी का है उस कम्युनिटी के लोग बीमार साथ रहेंगे कि पिछले 10-11 दिनों से पूरे राजस्थान में जो डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही है तो मूल रूप से सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है और डॉक्टर्स अपनी जगह अड़े हुए हैं। ऐसे में जनता का धनी धोरी कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब स्थितियां ऐसी आ गई है कि बच्चे मरे जा रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, समय पर पोस्टमार्टम नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में फिर जनता के जागने के अलावा कोई चारा बचता ही नहीं है। तो ऐसे में हमारी समिति जो है वो गैर राजनीतिक संगठन है, क्योंकि राजनेता अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। अब जनता को ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर अपनी जिद पे है, सरकार अपनी जिद पे है, तो आखिर इनका रखवारा कौन है। सर जब ये है रही बात सहूलियत की, तो सरकार प्रशासन अपनी बात अपनी जगह करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि प्रशासन भी कितने डॉक्टर लगाएगा, उनके पास डॉक्टर्स नहीं है। जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ये काम प्रशासन का कम है, सरकार का ज़्यादा है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसका बातचीत से हल नहीं निकाला जा सके। बड़े बड़े देशों के मुद्दे भी बातचीत से, संवाद से हल हो सकते हैं। तो सरकार को तत्काल डॉक्टर्स को बुला करके संवाद करना चाहिए और इस स्थिति से जल्दी निपटना चाहिए, ताकि आम रोगी, गरीब आदमी, पैसे वाला आदमी करेगा कौन, बचाएगा कौन। इसलिए सरकार का पहला धर्म है कि वो आम जन को बचाए, उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, उसको दवाई दे, मरीजों को देखे। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो आज बाड़मेर के 31 समाजों के लोग, जिनके अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सब लोग यहाँ मौन जुलूस के रूप में जिला प्रशासन से निवेदन करने आए हैं। आज हमने राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने की बात की है, डॉक्टर्स के घर घर जा कर के उनको समझाने की बात करेंगे, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो हम उन लोगों को मरने नहीं देंगे। क्योंकि जनता जब जाग जाती है, इतिहास गवाह है कि जब जब भी जनता जागी है, जब जब भी जनता सड़कों पर आई है, तो उसके परिणाम बहुत ही अनुकूल या विपरीत हुए हैं। सरकार को चेतावनी जनता की ओर से या डॉक्टर्स को भी है? मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं। चेतावनी तो तब आती है कि जब आप इस तरह से आम आदमी को छोड़ देते हो। दोनों से निवेदन है कि आप तत्काल बैठिए और इस हड़ताल को खत्म करवाइए, यही एक सॉल्यूशन है।